है एवरीवन, आज मैं आपके साथ महाराष्ट्रियन शादियों में मिलने वाले वेज पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखना। है एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ मृणालिनी और मैं आप सभी का हमारे अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो फिर चलिए बिना देरी किए आज के इंटरेस्टिंग कुकिंग ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 कप सेला राइस लिया है। ये बिरयानी राइस है, इसे सिर्फ मैंने धोया है। उसके बाद यहाँ पर है 1 आलू, कुछ मूंगफली के दाने और ये है सूखे मटर जिसे मैंने कल भिगोया था, ये है 1 कप। उसी के साथ यहाँ पर है प्याज, टोमेटो, हरी मिर्च और करी पत्ते और ये है कुछ खड़े गरम मसाले। तो फिर चलिए बनाते हैं शादियों में मिलने वाला आलू मटर पुलाव, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। गैस पर मैंने कुकर रखा है और उसमें मैं 3-4 चम्मच तेल डालूंगी। आप ये पुलाव घी में भी बना सकते हो। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें शाही जीरा डालूंगी 1 चम्मच और उसी के साथ ये सारे खड़े गरम मसाले डाल दूंगी। जो भी गरम मसाले आपके पास हो वो आप डाल सकते हो। गरम मसाले फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज 2 मिनट फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें करी पत्ते डाल दूंगी और उसी के साथ ये हरी मिर्च। ये हरी मिर्च ज्यादा तीखी नहीं है। अभी इसे मैं थोड़े से काजू डाल देती हूँ। काजू ऑप्शनल है, ये अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं, इसलिए मैंने इन्हें यूज किया है और इन्हें भी हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालूंगी, 1/4 चम्मच हींग, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये है 1 बड़ा टोमेटो जिसे मैंने गोल गोल कट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये भिगोए हुए मटर, उसके बाद ये मूंगफली के दाने और ये आलू। इसे मैंने एक बार धो लिया है। इसी के साथ मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डालूंगी और इसे हम 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए आलू मटर इन सबको मैंने 2-3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ये चावल ऐड कर दूंगी, इन्हें मैंने धो लिया है। देखिए चावल डालने के बाद मैंने इसे 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई किया है। अब हमें इसमें गर्म पानी ऐड करना है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, ये गर्म पानी है। बोला मैडम। कुकर का ढक्कन लगाने से पहले मैं इसमें डालूंगी 1/2 नींबू का रस, 1/4 चम्मच ये मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच। फ्राइड राइस मसाला ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पर कोई भी बिरयानी मसाला डाल सकते हो।
फ्राइड राइस मसाला आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में इजीली मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो उसकी जगह पर आप कोई भी बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने लगभग एक ग्लास पानी डाला है। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसकी 2 से 3 सीटियां ले लूंगी मीडियम गैस फ्लेम पर। कुकर की मैंने 3 सीटियां कर ली मीडियम गैस फ्लेम पर, और अब मैंने गैस को ऑफ भी कर दिया है और कुकर का प्रेशर अपने आप चला भी गया है। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा आलू मटर पुलाव कैसा बना है। खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है। तो देखिए चावल भी अच्छे से पक चुके हैं। ये जो पुलाव है ना, इसकी खुशबू शादियों में जैसा वेज पुलाव मिलता है उसी की तरह, बिल्कुल उसी की तरह आ रही है। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। अभी तो ये सॉफ्ट है, ठंडा होने के बाद एकदम खिला खिला दिखेगा आपको। इसमें आप कोई भी सब्जी डाल सकते हो आपके पसंद की, आलू मटर बैंगन गोभी ये सब डालकर भी ये पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर चलिए अब मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ।